डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी पी सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। हम बीएससी फाइनल में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाइडल में, टेट्राइडल में, स्क्वायर प्लेनर में स्टडी की है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए CFT के आधार पर उपसहसंयोजक यौगिकों से उपसहसंयोजक यौगिकों के किन किन गुणों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, VBT की कुछ लिमिटेशंस थी, उनको दूर करने का प्रयास इसने किया है। तो CFT के आधार पर उपसहसंयोजक यौगिकों के किन किन गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। CFT के आधार पर उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड कलर की व्याख्या कर सकते हैं। अर्थात इसके आधार पर हम ज्यामिति क्या होगी, उसके चुंबकीय गुण क्या होंगे, उनका कलर क्या होगा, इनकी व्याख्या CFT के आधार पर कर सकते हैं। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को 1x1 हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि ज्यामिति की व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं, चुंबकीय गुण की व्याख्या किस तरह से की जा सकती है, इसी तरह रंग की व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति की व्याख्या, ज्योमेट्री को किस तरह से एक्सप्लेन करें। तो संकुल यौगिकों की ज्यामिति CFSE पर निर्भर करती है। किस पर डिपेंड करेगी? CFSE पर। तथा CFSE केंद्रीय धातु आयन के आकार व आवेश, क्या कह लेंगे हम, उन जो सेंट्रल मेटल एटम उसका आकार और उसके ऊपर आवेश तथा लिगेंड की स्ट्रेंथ एवं आकार पर निर्भर करती है। देखो मेटल के का क्या आकार होगा, मेटल के ऊपर कितना चार्ज होगा, उसके ऊपर इसी तरह से लिगेंड की स्ट्रेंथ कि लिगेंड वीक है या स्ट्रोंग है, तथा लिगेंड की साइज, इनके ऊपर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री डिपेंड करती है। इस आधार पर मेटल आयन मोस्टली ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। कौन से बनाएंगे? ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। देखो एक एक के रेस्पेक्ट में हम बताते जाएंगे क्यों बनाते हैं ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि मोस्टली मेटल अष्टफलकीय संकुल बनाते हैं, क्यों? तो इसका कारण, क्योंकि अष्टफलकीय संकुल बनते समय कितने लिगेंड जुड़ते हैं? 6 लिगेंड जुड़ते हैं। तो 6 लिगेंड जुड़ने पर मेटल लिगेंड के साथ 6 बॉन्ड बनते हैं, और बॉन्ड जितने बनेंगे उतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे कॉम्प्लेक्स स्थायी होता है। अर्थात 6 लिगेंड बनने पर अधिक एनर्जी रिलीज होगी, इसके कारण संकुल स्थायी हो जाता है। विशेष परिस्थितियों में या कंडीशन अपन चेंज करें तो उन कंडीशंस में मेटल आयन वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय संकुल बनाता है। जनरली तो क्या बनाएगा? ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स या अष्टफलकीय संकुल बनाता है, और विशेष परिस्थितियों में यह वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय संकुल भी बना सकता है। अब विशेष परिस्थितियां क्या होंगी, अर्थात इनके हम कंडीशन चेंज कर दें, जैसे मेटल का आकार है, आवेश, लिगेंड का साइज, उसकी स्ट्रेंथ, इनके आधार पर डिपेंड करेगा। जिसका एग्जांपल देखें हम, जैसे यदि लिगेंड का साइज क्या हो, बड़ा हो, लिगेंड का बड़ा आकार हो, लिगेंड वीक हो, लिगेंड की स्ट्रेंथ तो क्या हो, वीक, साइज क्या हो, बड़ा, तथा मेटल आयन के ऊपर आवेश क्या हो, कम, या ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो, उसकी कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो मेटल का साइज बड़ा है तो ज़्यादा लिगेंड जुड़ने पर वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। तो लिगेंड का साइज बड़ा हो तो उस कंडीशन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिए हैं, D0, D5 और D10 विन्यास हो। तीन कंडीशन हमने पहले भी देखी थी, D0, D5 और D10 विन्यास हो, तो इनके लिए CFSE का मान क्या होता है? 0। और इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है, अथवा क्या हो, D1 और D6, जिनके लिए CFSE का मान क्या होता है? बहुत कम होता है। 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखे हैं कि D0, D5 और D10 के लिए तो CFSE 0 होती है, तथा D1 या D6 के लिए CFSE का मान कम होता है। तो ऐसी स्थिति में अष्टफलकीय संकुल न बनकर चतुष्फलकीय के बनने की संभावना होती है।
तो दो कंडीशन हो गई ऑक्टाइडल के लिए, टेट्राइडल के लिए। तीसरी कंडीशन क्या, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर की डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग में हमने देखा था कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, डी एट। देखो जैसा इसमें डी एट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो और लिगेंड क्या हो, स्ट्रोंग हो। डी टेन विन्यास वाले धातु आयन के संपर्क में कौन आए, स्ट्रोंग लिगेंड आने पर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तुलना में कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, डी जेड स्क्वायर में। जैसे डी जेड की ऊर्जा कम होगी, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो डी जेड में भर जाते हैं, अर्थात डी जेड में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अक्सर क्या रह जाता है, वेकेंट रहता है। तो आने वाला लिगेंड डी जेड स्क्वायर में नहीं जुड़कर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जुड़ता है। क्यों, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, जिससे रिपल्सन क्या हो जाएगा, अधिक। तो रिपल्सन के कारण लिगेंड डी जेड स्क्वायर में नहीं जुड़कर कम रिपल्सन वाले वेकेंट डी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जुड़ जाते हैं। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में चार लिगेंड प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई के थ्रू बहुत कम प्रतिकर्षण के साथ आकर जुड़ जाते हैं, जिससे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना होती है। इस तरह से तीन कंडीशंस हैं जिनके आधार पर अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जनरली तो क्या बनेंगे, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। विशेष परिस्थिति क्या है, जैसे मेटल के ऊपर आवेश कम हो, लिगेंड का साइज बड़ा हो, चार्ज कम हो, उस कंडीशन में टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स बनेंगे और डी जीरो डी वन डी फाइव डी वन और डी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने पर टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसी के साथ डी एट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो उस कंडीशन में वर्ग समतलीय संकुल बनने की संभावना रहती है। इस तरह से तीन कंडीशन में अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इसके अलावा कंडीशन हो सकती है, कई बार ज्योमेट्री स्टेबल नहीं होने पर उनमें डिस्टोर्शन भी आ जाता है। तो सीएफटी के आधार पर संकुलों की विकृत ज्यामिति की व्याख्या भी कर सकते हैं। डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री होगी, उस डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री या विकृत ज्यामिति की व्याख्या भी सीएफटी के आधार पर कर सकते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले हम, जैसे D9 विन्यास में Cu2 प्लस अष्टफलकीय के स्थान पर टेट्रागोनल या द्विसंबंध लाक्स आकृति वाले होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, D9, जिसमें एक ही तल में स्थित चार मेटल लिगेंड बॉन्ड, तो की बॉन्ड लेंथ समान रहती है और इनके लंबवत दो मेटल लिगेंड बॉन्ड है उनकी लेंथ बढ़ जाती है, जिसे हम टेट्रागोनल ज्योमेट्री कहते हैं। ये कौन सी कंडीशन में, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, D9 हो, तो उसमें ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स न बनकर टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना रहती है। और इस इफेक्ट को, ऐसी कंडीशन को, डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिद्धांत या एक इफेक्ट दिया गया जॉन टेलर के द्वारा, जिसे हम जॉन टेलर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, या जॉन टेलर प्रभाव कहा जाता है। ये जॉन टेलर प्रभाव विकृत ज्यामिति वाले संकुलों की व्याख्या करता है। बहुत बार पूछते हैं जॉन टेलर इफेक्ट पर शॉर्ट नोट लिखें, तो सबसे पहले तो ये क्या काम आता है, ये विकृत ज्यामिति वाले संकुलों की व्याख्या करता है कि डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री है तो वो क्यों हो रही है, उसका एक्सप्लेनेशन जॉन टेलर करता है। CFT के अनुसार डी कक्षकों के विभाजन से CFSE मुक्त होती है। ये हमने पढ़ा कि जैसे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी तो जो एनर्जी है वो रिलीज होती है और उस एनर्जी को CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जिससे संकुल स्थायी होता। अब देखो, हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, T2Z और EZ। जैसा डायग्राम बना रखा है, ये पांच डी ऑर्बिटल हैं, जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल हैं, सबकी एनर्जी क्या है, समान है। इसके बाद ऑक्टाइडल में इनकी दो तरह से स्प्लिटिंग होगी, एक T2Z और एक EZ, दो सेट। T2Z में देखा हमने तीन हैं, डी ऑर्बिटल DXY, DYZ और DXZ, और EZ में DX2, Y2 और DZ2। तो इन दोनों सेट का और विभाजन हो जाए, T2
T2g और Eg कक्षकों का और अधिक विभाजन हो जाए तो और एनर्जी निकलेगी, जिससे संकुल को एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन या अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है। और इस इफेक्ट को, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन वाले इफेक्ट को जॉन टेलर प्रभाव कहते हैं। तो T2g व Eg कक्षकों का और विभाजन होने से संकुल को अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है, जिसे हम जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं। तो जॉन टेलर इफेक्ट के अनुसार या इसके अनुसार जेड एक्सिस पर लिगेंड व धातु आयन की दूरी बढ़े, जेड एक्सिस के ऊपर दोनों की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो दूरी बढ़ने पर Eg व T2g कक्षकों का और विभाजन हो जाता है, जिससे अतिरिक्त CFIC मुक्त होती है, जो संकुल के स्थायीकरण में सहायक होती है। दूरी बढ़ने से Eg और T2g कक्षकों का क्या होता है, और अधिक विभाजन हो जाता है, जिससे एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन एनर्जी मुक्त होती है, जो संकुल के स्टेबलाइजेशन में सहायक होती है। देखो इसको हमने डायग्राम के रूप में एक्सप्लेन किया है। T2g दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, DYZ और DXZ। जो Z वाले दोनों कंपोनेंट हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और DXY वाला कंपोनेंट की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि Z वाले कंपोनेंट की बॉन्ड लेंथ अधिक है, जिससे रिपल्सन क्या होगा, कम, और रिपल्सन से एनर्जी कम हो जाती है। इसी तरह Eg में DZ² की एनर्जी कम हो जाती है और DX² Y² की बढ़ जाती है। तो इस विभाजन में DX² Y² कक्षक की ऊर्जा जो कितनी बढ़ गई है, प्लस बीटा से, और DZ² की कितनी कम हो गई है, माइनस बीटा से कम हो गई है। जिसमें अब इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, कम ऊर्जा वाले DZ² कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अतः इस विभाजन की कुल CFIC कितनी होगी, देखो प्लस में तो कितना, एक इलेक्ट्रॉन, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया हमने, तो T2g में 6 थे और Eg में 3, तो जब इसका डिवाइडेशन हुआ तो DYZ और DXZ में 4, DXY में 2, फिर ऊपर जब विभाजन हो रहा है Eg का तो DZ² में 2 और DX² Y² में 1। तो CFIC देखो कैसे निकालेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाले में 1 प्लस बीटा माइनस 2 बीटा कर दें या प्लस 2 इंटू माइनस बीटा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, माइनस बीटा, और एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, प्लस बीटा। तो इस विभाजन की कुल ऊर्जा 1 इंटू प्लस बीटा प्लस 2 इंटू माइनस बीटा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बीटा, अर्थात इसकी एनर्जी कितनी कम हुई है, माइनस बीटा। और इस माइनस बीटा एनर्जी के मुक्त होने से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन या अतिरिक्त स्थायी विन्यास हो जाता है। इसलिए D9 विन्यास वाले संकुल स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अष्टफलकीय नहर अगर क्या हो जाते हैं, वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल या टेट्रागोनल ज्योमेट्री ग्रहण कर लेते हैं। इसके लिए नोट लगाया कि निम्न चक्रण में D7, D9 के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, निम्न चक्रण में D7, निम्न चक्रण में D7 का मतलब जो नीचे ऑर्बिटल आ रहे हैं T2g, इनमें तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और ऊपर Eg में 1 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे स्प्लिटिंग होगी ऊपर वाले की, तो DZ² में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और DX² Y² वेकेंट रहेगा, तो इसकी एनर्जी भी क्या आ जाएगी, माइनस बीटा कम हो जाएगी। तो निम्न चक्रण में D7 व उच्च चक्रण में D4, उच्च चक्रण में D4 में का मतलब क्या रहेगा, T2g में 3, सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन और Eg में भी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी भी कितनी कम होगी, माइनस बीटा से। तो ये नोट लगाकर लिखा है, कई बार पूछ लेते हैं कि D9 का तो एग्जांपल हम डिटेल से पढ़ते ही हैं, इसके अलावा निम्न चक्रण में D7 व उच्च चक्रण में D4 विन्यास वाले आयनों में DZ² कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः D4 व D7 विन्यास वाले अष्टफल के संकुलों की आकृति भी क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है। इस तरह से इन तीन कंडीशन में डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि CFT उपसह संयोजक यौगिकों के ज्योमेट्री की व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चुंबकीय गुण, और इसके बाद में रंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस
मैटर का पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, तो पीडीएफ को एज ए नोट्स आप नोटबुक में नोट करेंगे और इसको पढ़ेंगे और साथ में वीडियो सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम डिस्कस करते रहेंगे, कभी भी आप चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।